आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको कोई डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैविंग अ टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बताना है आपको कि जो ये रेशनल नंबर्स दे रखे हैं ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, मीन्स स्टॉप हो जाएंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मीन्स जो स्टॉप नहीं होते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे पास अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आएंगे, मीन्स कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएंगे। ऐसा नहीं हो किसी के भी आपने डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स किए हैं इस तरह से आ रहा है 2 × 3 × 5, तो वो हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट तब होंगे तब डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमारे इस फॉर्म में होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3 1 2 5 है तो हम 3 1 2 5 के अगर एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मीन्स की 5 की पावर कितनी आई, 5। तो चेक करते हैं तो देखो 2 की पावर 0, 2 नहीं आया है, तो मीन्स 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो हम उसे लिख सकते हैं। एंड 5 की पावर क्या है हमारे पास, 5, एम है मीन्स यहाँ पर क्या है, 5 है, तो m की वैल्यू गई 5। तो इस फॉर्म में आ रहा है, जो इस फॉर्म में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। जो 8 दे रखा है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगी तो 2 × 2 × 2 दैट इज 2 की पावर 3, तो ये भी हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m बन गया है। तो क्या लिख देंगे इसको भी, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में, बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर 455 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 × 7 × 13, देखो इसमें 5 आ रहा है लेकिन 5 के साथ 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में स्टार्ट करते हैं। 1600 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 16। यहां पर देखो 0 है मीन्स 10 है, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, 2 × 5 और यहां पर 0, तो 2 × 5। ये बहुत सिंपल मेथड है आपका प्राइम फैक्टर से एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें सब क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1 2 1, तो बनाना ये हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m वाली फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, नाउ कम ऑन पार्ट नंबर 5। 343 दे रखा है, इसका क्या आएगा, 7 × 7 × 7। ओके, तो मीन 7 की पावर 3, इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, 7 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, नाउ कम ऑन पार्ट नंबर 6। अब इसमें देखो 2 की पावर 3 × 5 की पावर ऑलरेडी दे रखा है, इसमें हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के वो 2 की पावर n × 5 की पावर n बन रहे हैं,
तो इसको तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेवंथ पार्ट। क्या दे रखा है इसमें हमें इन्होंने, अपोन में डिनोमिनेटर के खुद ही फैक्टर्स हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7। ओके यहां तक तो ठीक है, बट साथ में इन्होंने हमें क्या दिया है, 7 की पावर 5, तो 7 तो नहीं आना चाहिए था। तो ये हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर तो m है, बट यहाँ पर 7 भी आ गया है 7 की पावर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। नाउ कम ऑन पार्ट नंबर 8। अब 8 पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर ये हमारा कैंसिल आउट होता है, जैसे 3 2s are 6, 3 5s are 15, ये हमारा कैंसिल हो गया ना, क्या आया 2/5। ठीक है, तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज आप 15 के फैक्टर्स करते तो 3 × 5 हो जाता और आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते तो वो गलत हो जाता। तो अब देखो नीचे क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिर्फ 5 या सिर्फ 2 आएगा तब भी वो हमारा टर्मिनेटिंग ही होगा। नाउ कम ऑन पार्ट नंबर 50। यहाँ पर क्या दे रखा है, 50 के फैक्टर्स करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, 2 × 5 × 5 आएगा। तो नीचे क्या आया, डिनोमिनेटर जो है हमारे उसके प्राइम फैक्टर्स करके 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, तो मींस 2 की पावर m × 5 की पावर n बन गया उस फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे, 2 और 5 आ रहे हैं, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ वी विल स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें 77 है, हम यहां पर 210 के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 × 3 × 5 × 7, तो 2 आ रहा है 5 आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, 3 and 7। ठीक है, अगर आप इसे यहां पर कैंसिल आउट भी करते हो तो भी आपके पास यहाँ पर 3 तब भी आएगा। ठीक है, तो मैंने कैंसिल आउट नहीं करके डायरेक्ट इसके फैक्टर्स कर दिए, तो इसमें 3 और 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके ये हमारा फिनिश। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।